Kurzfahrt. Ich hatte gestern und es war eine Basket zu geben würden. भारतीय संदर्भ में भारतीय दृष्टि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की है उसको ये चर्चा करते चल रही है। इस चर्चा में एक विशेष बात जो बार बार ध्यान में आती है वो ये है कि भारतीय संस्कृति की अपनी एक जो विशेषता है उसी संदर्भ में ही सारी बातें की जा सकती है। उससे अगर एक क्षण के लिए भी हम निकल जाते हैं तो हम इतनी दूर तक भटक जाते हैं कि वापस लौटने का कोई मार्ग जो है वो दिखाई नहीं देता। एक छोटा सा उदाहरण अगर हम लें और उसी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें, ये दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। अब ये जो संगोष्ठी शब्द है, क्या वाकई में हम लोग संगोष्ठी में प्रतिभाग कर रहे हैं? क्योंकि गोष्ठ का मतलब तो गौशाला होती है, तो जो विचार विमर्श एक गौशाला में होता है उसको संगोष्ठी कहा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद सभागार में अगर विचार विमर्श हो रहा है तो सही मायने में इसको संगोष्ठी नहीं कहा जा सकता। तो अब ये जो विलक्षणता है, ये आवश्यकता क्यों है कि गौशाला में संगोष्ठी हो? ये जो दृष्टि है ये केवल और केवल भारत में है और विश्व के किसी भी कोने में आपको दृष्टि नहीं मिल सकती। और इसीलिए गाय का जो महत्व है, वो माता का जो महत्व है, वो यहीं पर समझा जा सकता और कहीं पर नहीं समझा जा सकता। और जो लोग इस महत्व को समझते हैं और जो नहीं समझते हैं, उनके बीच में जो द्वंद्व हो रहा है भारत में, वो भी इसी कारण से हो रहा है। तो गौशाला का महत्व तो क्या है? गौशाला का महत्व तो यह है कि गाय की विशेषता यह है कि वो पूर्ण सात्विक है। युग सृष्टि में तीन जो गुण से सृष्टि बनी है सत्वजतम से, तो तीनों का मिक्सचर जो है हर जगह देखने को मिलता है अलग अलग अनुपात में, लेकिन गाय की विशेषता यह है कि पूर्ण तत्व है। इसलिए जो भी गोरक्षा आंदोलन चल रहा है अलग अलग स्तरों पर, अब काफी तेजी भी पकड़ रहा है, काफी लोग इससे जुड़ भी रहे हैं, उसकी आवश्यकता इसीलिए है कि आप देखिए कि एक सिंपल सा एग्जांपल है कि कोई महामंडलेश्वर हो, धर्माचार्य हो, कितने भी पवित्र हो, सुधी हो, कोई कितना भी पवित्र माना जाता हो, लेकिन कभी किसी का मूत्र और मल पवित्र नहीं माना जाता, लेकिन गाय का मूत्र और मल भी पवित्र है। उसको पवित्र होने के उसका प्रयोग किया जाता है। विधान तो यह है कि शमशान भूमि में भी अगर लेपन किया जाए गोमूत्र का और गोबर का, तो वो भी पवित्र हो जाती है, यज्ञ करने के लिए पवित्र हो जाती है। ये विशेषता, ये विलक्षणता कहीं और देखने को नहीं मिलती। तो हम अचीव क्या करना चाहते हैं? हम अचीव ये करना चाहते हैं कि हम उत्थान करना चाहते हैं तमस से रजोगुण की ओर, रजोगुण की से सतोगुण की ओर, और धीरे धीरे उसके भी परे यानी कि गुणातीत अवस्था को प्राप्त करना, यही जो मुक्ति है, यही अंतिम लक्ष्य है। और इस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए ही पूरी की पूरी जो संस्कृति है भारतीय संस्कृति, उसका हर एक अंग, हर एक चेष्टा, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, उसी अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए चलती है। आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, आप कैसे चलेंगे, आप कैसे रहेंगे, आप क्या बोलेंगे, आप क्या सुनेंगे, हर एक चीज उसी अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बनेगी। और ये क्या है? ये धर्म के रूप में हमको देखने को मिलता है। इसका जो विग्रह है वो धर्म के रूप में देखने को मिलता है। तो चर्चा धर्म की हो, क्योंकि वैसे तो चार पुरुषार्थ गिनाए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लेकिन अंतिम लक्ष्य या अंतिम पुरुषार्थ जो है वो मुक्ति है। और मुक्ति के में सहायक क्या होता है? धर्म सहायक होता है। तो धर्म के पालन से ही मुक्ति की प्राप्ति संभव है। तो अब चर्चा ये होनी चाहिए कि धर्म क्या है। तो जब ये बात आती है तो तमाम सारी बातें आती हैं, लेकिन इन तमाम सारी बातों में वो कौन सा एक तत्व है, वो कौन सा एक चरित्र है जो हमको, जो धर्म का विग्रह प्रस्तुत करता है?
तो ऋषि वाल्मीकि के समय में ही उनके समकालीन जो मुनिगण थे वो उनके पास गए और उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में देखिए तमाम सारे देवी देवता हैं, सबके स्वरूप का वर्णन भी किया गया है, लेकिन अभी तक धर्म का कोई विग्रह, धर्म का कोई स्वरूप नहीं देखने को मिला। तो वाल्मीकि जी से क्योंकि ऋषि हैं तो ऋषि से प्रश्न किया गया, तो उन्होंने कहा है धर्म का विग्रह है, और कौन है? राम धर्म का विग्रह। तो धर्म अगर हमको देखना है तो हम किसको देखें? हम राम को देखें। अभी पंडित जी ने जो बात रखी थी, जो एक क्रम बताया था, अगर उस क्रम की ओर हम देखें तो वो सारे की सारी चीजें, वो सारे के सारे तत्व राम में ही परिलक्षित होते हैं। सुखस्थ मूलम धर्म, तो अभी तो बताया गया वाल्मीकि जी खुद कहते हैं कि धर्म का विग्रह है राम। धर्मस्थ मूलम अर्थ, तो भगवान के जो गुण गिनाए गए हैं उसमें वो राम क्या है? पूर्ण श्री, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण ज्ञान, हर चीज की पूर्णता प्राप्त होती। राज्य अर्थक समूलम राज्य, तो राम राजा है, और राम कौन से राजा है? राम एक आदर्श राजा है, एक आदर्श राज्य के राजा है, जिस राम राज्य की चर्चा हम लोग करते हैं, और सामान्य काल अवधि नहीं 11,000 वर्ष तक इस भूधरा पर उन्होंने शासन किया। और कैसा शासन किया? एक उल्लेख आता है कि उस समय त्रेता युग चल रहा था और त्रेता महाराज के सामने सतयुग सत महाराज प्रकट होते हैं और कहते हैं कि उनसे प्रार्थना करते हैं कि क्योंकि राम का शासन है इसीलिए मुझे अपने अंदर प्रवेश करने का की अनुमति दीजिए, क्योंकि अब आपका शासन नहीं रहेगा, जब राम है तो राम का शासन कैसा होगा? परफेक्ट शासन होगा। और ऐसा आदर्श राज्य स्थापित रहा इस भूधरा पर 11,000 वर्ष तक। तो राज्य भी, ये तत्व भी देखने मिलता है, और इंद्रिय जय, क्योंकि राज्य के मूल में क्या बताया जा रहा है? इंद्रिय जय, तो ये तत्व भी देखने को मिलता है। तुलसीदास जी रामचरित मानस के अयोध्या कांड के मंगलाचरण में जो द्वितीय श्लोक है उसमें इस बात को कहते हैं कि जिन राम जी के मुखारविंद की छवि न राज्याभिषेक की सूचना पा के प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास की सूचना पाकर मलिन हुई, वो मुखारविंद की छवि मेरा मंगल करे। किसका मंगल करे? तुलसीदास जी का मंगल करे, लेकिन केवल तुलसीदास जी का मंगल ना करे, हम सब का मंगल करे। ये जो इंद्रिय निग्रह का जो आदर्श है वो राम को देखते ही आपके अंदर स्वतः आ जाए, राम नाम लेने से स्वतः आ जाए। ये विलक्षणता है, क्योंकि राम कोई उत्तम पुरुष नहीं। कल से बड़ी सारी चर्चा हो रही, कई लोगों के नाम गिनाए जा रहे हैं, भारत में भी हीरो वर्शिप की एक बड़ी लंबी परंपरा है। शिवाजी का नाम लिया गया, क्योंकि तिलक ने पूरा एक उत्सव भी शुरू किया उनके नाम से। फिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विकास में जिन लोगों ने योगदान दिया, तिलक, अरविंद, गांधी, सबका नाम लिया गया, विवेकानंद का नाम लिया गया। विवेकानंद के नाम से भी बहुत सारे आजकल एक यात्राएं भी चल रही है, लेकिन ये तो उत्तम पुरुष तो हो सकते हैं, लेकिन राम जी क्या विशेषता है? राम उत्तम पुरुष नहीं है, राम पुरुषोत्तम। ये वही अंतर है जो सुंदरता और सौंदर्य के बीच में। कोई सुंदर हो सकता है लेकिन राम सुंदर नहीं है, राम सौंदर्य है। His beauty personified। तो इसी तरीके से जो एक आदर्श चरित्र है उसका पर्सोनिफिकेशन है राम, और इसीलिए उनको किसी के साथ कंपेयर नहीं किया सकता। और इसीलिए भारतीय जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है अगर उसका कोई आधार बन सकता है तो वो केवल और केवल राम है। और ऐसा नहीं है कि इसका प्रयोग नहीं किया गया, आप सब जानते हैं इसका प्रयोग हुआ। पूरा जो जन्मभूमि आंदोलन था, राम जन्मभूमि आंदोलन, उसका क्या परिणाम था, उसका क्या असर हुआ, ये सब जानते हैं। दो सीटों से करीब करीब 200 तक की सीटें प्राप्त करना ये कोई सामान्य घटना नहीं,
ये किसी की मेहनत का परिणाम नहीं, ये केवल और केवल उसी राम तत्व का परिणाम, क्योंकि वो राम हर भारतीय के हृदय में बस रहे हैं, रम रहे हैं, जो रमता है सबके हृदय में वही राम है। तो इसके लिए कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, स्वाभाविक रूप से सबके मुख से क्या निकलता है, राम नाम निकलता है। हाय राम ये क्या हो गया, अरे राम क्या हो गया, कोई सिखाने की जरूरत नहीं पड़ो, क्योंकि आप भारत में उत्पन्न हुए हैं, इसी से आप राम को जान गए हैं, उनसे जुड़ गए हैं, उसके लिए अलग से कोई आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर उनका नाम लेकर कोई आंदोलन चलाया जाता है, कोई चीज अगर छेड़ भी जाती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप उसको संभालने का भी सामर्थ्य आपके अंदर होना चाहिए। तो नहीं है अगर, तो इन विशेष शक्तियों का आप दुरुपयोग जब करेंगे, किसी भी शक्ति का जब आप दुरुपयोग करेंगे, तो वो क्या होता है, कभी एजेंडे के अंदर है, कभी एजेंडे से बाहर है, तो वही परिणाम हो रहा है उसका। वो असर भी जो है वो असर इस वजह राम की वजह से कम नहीं हो रहा है, जो दुरुपयोग किया जा रहा है उनके नाम का, उसकी वजह से उसका असर कम हो रहा है। तो वो संभावना हमेशा से बनी रही है और हमेशा जो है बनी रहेगी। तो राम का जब जिक्र होता है, तो ये जो बार बार बात आ रही है कि आदर्श राजा है और आदर्श राज्य की स्थापना की है, तो ये आदर्श राज्य क्यों स्थापित हुआ, क्या विशेषता है उसकी, यही वही विशेषता है जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है। राम इसलिए आदर्श राजा है और राम राज्य इसलिए आदर्श राज्य है, क्योंकि राम समस्त प्रजा की मोक्ष की इच्छा से राज्य करते हैं, और यही हुआ भी, यही हुआ। वाल्मीकि रामायण में भी इसका उल्लेख है और जितनी भी रामायण है अलग अलग लोगों के इसका उल्लेख है कि राम राज्य में धर्म ही आधार था और उस धर्म का पालन हर व्यक्ति करता था, और इसीलिए सभी सुख का भोग कर रहे थे, किसी भी प्रकार का कष्ट, किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। और उस धर्म के पालन के कारण क्या हुआ, समस्त प्रजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। वो गुप्तार घाट जिसको आजकल कहा जाता है गुप्त हरि घाट श्रीअवध में है, वहां पर वो मार्ग आज भी है, जिस मार्ग के माध्यम से सलीम जी में प्रवेश करके राम जी समस्त प्रजा को लेकर के अपने धर्म धाम पर गए। केवल हनुमान जी की इच्छा नहीं थी तो वो यहाँ पर रह गए। तो ये जो विशेषता है कि मोक्ष लक्ष्य बनाते हुए जब शासन किया जाता है, तब क्योंकि हर चीज का लक्ष्य अंतिम लक्ष्य वही है, एक अच्छा राज्य भी वही कहलाएगा जिसमें धर्म का पालन हो, क्योंकि उसी धर्म के पालन से मोक्ष की प्राप्ति होनी है। उस धर्म के पालन में अर्थ और काम सहायक हो सकते हैं, लेकिन वो मूल में कभी नहीं आ सकते, जैसा कि आजकल कई जगह ऐसा देखने को मिलता है। तो ये जो तत्व है, बार बार ये बात के अभी रामरक्षा स्त्रोत में भी ये बात आती है कि रामो राजमणि सदा विजय से राम रमेशम भजे। राम जी का भजन क्यों करना चाहिए, क्योंकि राम जी की सदा विजय होती है, सर्वत्र विजय होती है, कभी नहीं हारते हैं। क्यों नहीं हारते हैं, क्योंकि राम धर्म का विग्रह है, राम क्योंकि हमेशा धर्म का पालन करते हैं, करवाते हैं, इसीलिए उनकी कभी हार नहीं हो सकती। ये मूल तत्व जो है, और ये तो एक आदि आध्यात्मिक और आध्यात्मिक स्तर की बात हो गई, लेकिन जिन लोग को इन सब चीजों से परहेज है, तमाम सारे ऐसे भी लोग हैं, उनके लिए आज भौतिक स्तर की भी बात है। जिस राम सेतु को लेकर के चर्चा हो रही है, आंदोलन भी चल रहे हैं, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इस तरीके के सिंबल पे आक्रमण कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन सही बात तो यह है कि राम ने सेतु केवल रामेश्वरम से लंका तक नहीं बनाया, ये सेतु अवध से लंका तक बनाया। जो एक तो सूत्र में दाने पिरो कर माला बनाने का कार्य है, वो राम ने किया है। अब आप देखिए जहां जहां से वो गुजरे हैं, सबको साथ में लेते हुए चले। निषाद हो, जातियों का अगर देखा जाए तो निषाद, कोल, भील, गिरार, वानर, भालू, राक्षस, सबको साथ में लेकर चले, सबको अपना अपने कार्य में सहयोगी बना लिया। किस कार्य में, धर्म की विजय के कार्य में सबको अपना सहयोगी बना लिया। तो इस सेतु निर्माण का जो कार्य है, पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का जो कार्य है, और उस सूत्र के मूल में, किस सूत्र में, धर्म के सूत्र में,
ये कार्य केवल राम ही अकेला ऐसा चरित्र है जिसने किया है, और दूसरा कोई एग्जाम्पल इस तरीके का नहीं देखने को मिलता। और शायद यही कारण है कि पुनः ये कहना पड़ेगा कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कही जाती है, उसकी चर्चा की जाती है, अगर हमको सही मायने में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को प्रत्यक्ष रूप में देखना है और इस सांस्कृतिक आधार पर राष्ट्रवाद को बनाए रखना है, तो उसका एकमात्र आधार जो है वो राम है और रहेंगे। लेकिन बार बार वही चेताया भी जाता है कि शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जब आप उसका प्रयोग करें तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। बस इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। धन्यवाद।